नमस्कार, मैं पलक और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या और हिंसा फैलाने का केस दर्ज। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और हिंसा फैलाने का केस दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ दयालपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया, आईबी कर्मी अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेंगे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ताहिर के घर को भी सील कर दिया था। ताहिर हुसैन के जिस घर को सील किया गया था उसमें उनकी फैक्ट्री भी है। बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप है कि हिंसा भड़काने में उनका हाथ है। हिंसा में मारे गए अंकित शर्मा के परिजनों ने कथित तौर पर ताहिर पर हत्या करने का आरोप लगाया है। ताहिर पर यह भी आरोप लगा है कि 25 फरवरी को उनके चांदबाग स्थित घर से उपद्रवियों ने लोगों पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। ताहिर हुसैन के घर की छत पर बोरों में भरे पत्थर और कैरेट में रखे पेट्रोल बम मिले हैं। ताहिर फिलहाल अपने घर पर नहीं, ताहिर के घर की छत से पथराव और पेट्रोल बम फेंके जाने की वीडियो इससे पहले भी सामने आई थी, लेकिन ताहिर ने उनका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि घटना के समय वह अपने घर पर नहीं थे। बीजेपी नेता उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य दिल्ली की हिंसा में शामिल हो तो उसे सजा दी जाए। आप इस भड़की हिंसा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।